दिव्य हिंदी अकोला की टॉप 10 न्यूज पावर बाय अनवी एंटरप्राइजेस। बच्चों के लिए बैटरी बाइक, कार, जीप, ट्राइसिकल, झूला, सब कुछ है यहाँ, एक से बढ़कर एक, वो भी कम दाम में। पता अकोला का मेन मार्केट अलंकार मार्केट, तिलक रोड, अकोला। सामाजिक कार्यकर्ता, प्रसिद्ध व्यवसायी तथा ओबीसी नेता प्राचार्य डॉक्टर संतोष हुशे जी को केंद्र सरकार के नीति आयोग से संलग्नित मनेभाई मानव सेवा ट्रस्ट की ओर से दिया जाने वाला सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। हुशे जी का उनके द्वारा किए गए अनेक सामाजिक कार्यों के लिए उनका इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया। बालापुर में नदी के किनारे संचालित होने वाले ईंट भट्टों का गुरुवार को जिलाधिकारी नीमा अरोरा ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि ईंट भट्टा संचालित करने वाले सरकार से बाकायदा अनुमति लेकर ईंट भट्टे लगाएं, अन्यथा उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अकोला अकोट शटल ट्रेन आरंभ करने की मांग जोर शोर से की जा रही थी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस मांग को वरिष्ठ स्तर तक पहुंचाकर इस समस्या को हल करने की मांग की, जिसे गंभीरता से लेते हुए प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से चर्चा के बाद इस मांग को मंजूर कर लिया, जिससे अकोला अकोट शटल ट्रेन आरंभ होने का मार्ग साफ हो गया है। रामदेव बाबा श्याम बाबा सेवा समिति की ओर से स्थानीय गीता नगर के पास रामदेव बाबा श्याम बाबा मंदिर में 4 दिवसीय भव्य खाटू श्याम जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। गुरुवार को सायंकाल में सभी देवताओं की विविध झांकियां साकार कर आनंदोत्सव मनाया गया। अकोला के स्टेशन रोड स्थित गुरुद्वारा में श्री गुरु नानक देव जी के 553वें प्रकाश पर्व पर 29 अक्टूबर से 8 नवंबर तक विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में गुरुवार को सुबह 5:30 से 7:30 बजे नगर परिक्रमा के लिए प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का सहभाग रहा। जिला कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार 10 नवंबर को दिव्यांग प्रतिभागियों के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय रोजगार मेले का आयोजन जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में किया गया। इस मेले में 32 पदों के लिए दिव्यांगों की भर्ती प्रक्रिया संचालित की जाएगी। पातुर से अकोला जा रही कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने उग्र रूप ले लिया, जिसमें कार जलकर खाक हो गई। यह घटना बुधवार 2 नवंबर को देर रात हुई। कार सवार शिरला फाटे पर पहुंचे ही थे कि इंजन से धुआं निकलना शुरू हो गया था। रबी बुवाई का मौसम आरंभ हो चुका है। किसान अपने खेतों में चने की बुवाई का कार्य कर रहे हैं। अधिकांश किसान ट्रैक्टर पर बुवाई मशीन की सहायता से चने की बुवाई में जुटे नजर आ रहे हैं। इस वर्ष जिले में तुअर और कपास की अच्छी फसल निकली है। गुरुवार 3 नवंबर को दोपहर बाद शहर सहित जिले के क्रीड़ा क्षेत्र में उस समय खुशी की लहर दौड़ गई जब मुक्केबाजी में राष्ट्रीय कोच एवं प्रबोधिनी के प्राचार्य सतीश चंद्र भट्ट को जिला क्रीड़ा अधिकारी का दायित्व सौंपा गया। अब तक इस पद पर चंद्रकांत उपलवार थे, उनके सेवानिवृत्त होने के बाद जिला क्रीड़ा अधिकारी का पद रिक्त हो गया था। इमरजेंसी के दौर में जिन लोगों ने जेल में सजा काटी उन्हें प्रति माह मानधन देने की योजना राज्य सरकार ने शुरू की है। जेल की सजा भोगने वाले को 10,000 तथा जिन्होंने सजा काटी लेकिन उनका निधन हो गया उनकी पत्नी को 5,000 रुपए मानधन इस योजना के अंतर्गत दिए जा रहे हैं। दिव्य हिंदी न्यूज, न्यूज क्षेत्र के सारे प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मजबूती से खड़ा, जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज चैनल, आईटी प्लेटफॉर्म और न्यूज एप्लीकेशन। दिव्य हिंदी न्यूज ऐप को प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अभी डाउनलोड करें। साथ ही इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूले। दिव्य हिंदी न्यूज आपके परिवार को रखे जागरूक और आपको एक्टिव। धन्यवाद।